इस्लामिक स्कॉलर जानते हैं कि इनकी जो किताब है उस किताब की आयत संख्या 2221 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति किसी भी गैर इस्लामिक महिला से लड़की से शादी नहीं कर सकता है जब तक कि वो कन्वर्ट ना हो जाए। अली कादरी बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारे यहां पर शादी नहीं हो सकती है, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि जब तक वो कन्वर्ट ना कर ली जाए। कुरान में साफ अल्फाज में लिखा हुआ है कि गैर मजहब से शादी करने पर वो निकाह नहीं हो सकता। चीखने की जरूरत नहीं है, खतई तौर पर नहीं होगा, ऐसा खतई तौर पर नहीं होगा। इस्लाम जिस चीज की इजाजत देता है वो इस्लाम होगा। आपके बोलने से इस्लाम नहीं बदलेगा। हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे, एक प्रभावी कानून बनाएंगे। बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। नमस्कार, तालठोक में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं सचिन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि लव जिहाद के खिलाफ यूपी में जल्द कड़ा कानून लाया जाएगा। बेटियों की इज्जत से खेलने वालों का राम नाम सत्य तय है। हमारे साथ आचार्य अंकुर आ रहे हैं सनातन संस्था से इस वक्त स्टूडियो में, और हमारे साथ ताहिरा साद रिजवी हैं, मुस्लिम स्कॉलर भी हैं। ताहिरा साद, देखिए जहां तक मेरा सवाल उठता है तो मैं इस एक्ट को ही वो कहूंगी कि अपोज करूंगी। आई विल टेल यू माय रीजन। सबसे पहले देखिए, हम एक सोसाइटी में रहते हैं जो कि आज की एकदम बनी हुई नहीं है। 2020 इज नॉट जहां से शुरू हो रही है हमारी सोसाइटी। बहुत ही पुराना नाता है हम गंगा जमनी तहजीब का। आप डेफिनेटली जहां तक टेररिज्म आता है आप उसको हर तरीके से कुचल के रख दीजिए, लेकिन दो चाहने वालों को, चाहे वो इस्लाम से हो, चाहे वो हिंदुइज्म से, चाहे मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से शादी करे, चाहे हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी करे, आप लड़की को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते। उनके वो ऑब्जेक्ट नहीं है। कानून आ रहा है ताहिरा जी, ये कानून उनके खिलाफ आ रहा है। ऐसे तो सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, हजारों एग्जाम्पल हैं, दोनों मिलकर के रहते हैं। भाई ये प्यार करने वालों के नाम पर थोड़ा ना कर, प्यार के नाम पर नाम बदल करके जो आसिफ राहुल बन जाता है, फिर वो जा करके किसी निकिता को राहुल बन के मिलता है, फिर घर में धर्म परिवर्तन कराता है, उसका अपहरण की कोशिश करता है। आपने देखा होगा निकिता का मामला, अपहरण की कोशिश करता है, घर वालों से दबाव डलवाता है, वो नहीं मानती है तो गोली मार देता है। आचार्य अंकुर एक सेकंड, उसके बाद असगर अली एक सेकंड, आचार्य अंकुर फिर असगर बोलिए। सचिन भाई, ये दो यहाँ पर इस्लामिक स्कॉलर बैठे हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर जानते हैं कि इनकी जो किताब है उस किताब की आयत संख्या 2221 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति किसी भी गैर इस्लामिक महिला से लड़की से शादी नहीं कर सकता है जब तक कि वो कन्वर्ट ना हो जाए। अली कादरी बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारे यहां पर शादी नहीं हो सकती है, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि जब तक वो कन्वर्ट ना कर ली जाए। स्पष्ट कहा गया है, और ये तो यही बात नहीं, शादी की बात है, दोस्ती तक भी वाजिब नहीं है। एक इस्लामिक व्यक्ति को उनकी किताब के अनुसार गैर इस्लामिक व्यक्ति से दोस्ती भी करनी जो है वो इनके शरिया के हिसाब से, इनके कानून के हिसाब से गैर मजहबी है, वो दोस्ती तक नहीं कर सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहां पे सब कह रहे हैं कि कानून नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? स्पेशल एक्ट हमेशा बनते हैं जब देखा जाता है कि किसी एक समुदाय के ऊपर इस तरीके के अपराधों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है तो उनको स्पेशल एक्ट के तहत लिया जाता है, और वो एट्रोसिटी कानून हो चाहे महिलाओं की सुरक्षा का कानून हो, इसी प्रकार से इसको महिलाओं की सुरक्षा के कानून के तहत ही ये लिया जाना चाहिए। और लव जिहाद में अभी तक बहुत सारी लड़कियां जो मारी गई हैं, और सबसे बड़ी बात अभी तक यहां मेरी बहन बैठी हुई है ताहिरा साहब, वो एक बार भी ये नहीं कह रही है कि जिन बच्चियों की हत्या हुई है इस लव जिहाद के दौरान उनके प्रति उनकी जरा सी भी मार्मिकता अभी तक देखने में नहीं मिली। वो लगातार कहती चली जा रही है कि कानून नहीं बनना चाहिए, कानून नहीं बनना चाहिए। अरे मेरी बहन, आप भी किसी की बेटी हो, आप भी किसी की बहन हो, आप एक बार ये नहीं कहा आपने कि अभी जो राहुल, और ये जो अभी केस हुआ है सचिन भाई, राहुल हिंदू नाम रख करके तब जाकर के निकिता के साथ में दोस्ती की, उसके पीछे पड़ा, नाम बदल के ये काम हुआ। अभी मुजफ्फरनगर के अंदर ओम का निशान था लड़की के हाथ पर, सुनिए सुनिए, ओम का निशान था, सिगरेट से दाग दाग करके उसको हटाया गया, फिर लड़की को मारा गया, और आपके मुंह से एक बार भी बात नहीं निकली कि हमारी बहन बेटियां मर रही है। आप अगर दूसरे मजहब की हैं तो हिंदू बच्चियां मर रही हैं तो आपकी कोई उनके प्रति सहानुभूति नहीं है? एक बार भी संवेदना प्रकट नहीं किया आपने?
ये कैसे, ये कैसे इंसानियत है आपके अंदर? अल्फाज बहन बेटी सबकी बराबर होती है, आपको सबसे पहले इस बात पर बात करनी चाहिए थी कि हाँ हम मानते हैं कि इस प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं और अगर सरकार को कानून को लगता है तो बनाना चाहिए। प्यार, जब से आप प्यार प्यार की बात करो, अरे प्यार में तो बहुत सारे लोग साथ रह रहे हैं, लेकिन लेकिन जब प्यार है तो मजहब क्यों बदला जा रहा है? क्योंकि इनकी किताब कहती है कि मजहब बदलना है। सिमिलरली फॉर एवरीवन, आप लड़कियों को इतना पेट्रियार्कियल नजर से क्यों देखते हैं कि लड़की नीड्स प्रोटेक्शन? सबको, देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड कानून के चीट मत करो, किसी को भी चीट नहीं करो, मोहब्बत करनी है करो, स्पेशल एक्ट अवेलेबल है, चीट नहीं करते। अरे अगर आपकी बेटी मारी जाती है, आपकी बेटी को गोली मार कर आप एक सवाल का जवाब दीजिए ना बहन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे दोनों तरफ से चीटिंग होती है, मैं जब आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कोई हिंदू लड़का मुसलमान बनके इस प्रकार की चीटिंग करी हो और वो परिवर्तित ना हुई हो और हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की को गोली मार दी हो, आप बस एक उदाहरण बता दीजिए और मैं आपको 100 गिनवाता हूँ। सेम, एक एक उस पे तोलना है दोनों को, आप कह रहे सेम है दोनों तरफ से, दोनों तरफ से एक उदाहरण तो दीजिए। पुरानी लॉ यानी कि सब गलत चलता चला रहे, बताइए ना आप एक उदाहरण दीजिए, सब गलत चलता है। इधर उधर की बातें मत कीजिए, इधर उधर की बातें मत कीजिए, सबको आप बदनाम नहीं कर सकते हो। जिसका नाम लू प्लीज वही बोलिए, निखत मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, निखत मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, जिसका नाम लू प्लीज वही बोलिए, एक एक करके बोलिए। ओवरलैपिंग मेरे चैनल पर मेरी डिबेट में नहीं होती है। सेकंड, एक सेकंड, तायरा साहब बोल रही थी, काउंटर करे, एक सेकंड, तायरा साहब बोल रही थी, काउंटर कर रहे थे अंकुर, ये अंकुर ने एक सवाल पूछा है, अंकुर दोबारा वो सवाल पूछ दीजिए, फिर उसके बाद मैं शलमनी आपके पास आता हूं। ठीक है, बोलिए। मैं ताहिरा जी से ये पूछना चाहता हूं, ताहिरा जी तब से ये कह रही हैं कि तो दोनों तरफ से होता है, चीटिंग दोनों तरफ से होती है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, एक तरफ से तो हमने पूरा का पूरा पक्ष बता दिया, दूसरी तरफ का चीटिंग का एक पक्ष आप बता दीजिए, एक कोई बता, इधर उधर की बात ना करके सिर्फ एक उदाहरण दीजिए। मैं डिबेट पे तू तू मैं नहीं करने आई हूं, मैं उदाहरण नहीं दूंगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि हमारी लॉ है, तो हम इधर उधर की बात है, बिल्कुल जो चीट कर रहा है कोई आंसर नहीं आपका, नहीं हो तो दे, इधर उधर की बात, आप लोगों ने तो शुरुआत नहीं कह दिया कि मैंने चीटिंग को, अगर वो लेकर के आया कि निकिता हमारी बहन थी, आप निकिता का नाम ले सकती हैं तो किसी और का भी नाम ले दीजिए, हो तो दे। हिंदू लड़कों से शादी करने के बाद मुस्लिम लड़कियों के नाम तक परिवर्तित नहीं हुए, नाम तक परिवर्तित नहीं हुए मुस्लिम लड़कियों के हिंदू घरों में आने के बावजूद, और वो अपने रिचुअल्स जो के क्यों कर रही है, उसको प्यार कहते हैं बहन जी, प्यार वो होता है, ये नहीं होता इधर उधर की आप जो बात कर रहे हैं। और अब वही बात है कि अब हम कहे कि ऐसा किसी और के साथ ही है तो तू तू मैं है, ये तू तू मैं नहीं, आपके पास फैक्ट की कमी है, क्योंकि वैसा हुआ ही नहीं है, क्योंकि हिंदू इस मामले बहुत सहिष्णु है, वो प्यार करता है तो दिल से उसको निभाता है, बात बहुत क्लियर है, और स्टार्टिंग के कमेंट में आपको बता दिया है कि ये चीजें कहां से निकली है। हो सकता है मौलाना कादरी के पास हो, मौलाना कादरी आपके पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल, मौलाना कादरी कुछ आपके पास ऐसे एग्जाम्पल किसी हिंदू ने इस तरीके से जो है मुस्लिम धर्म की लड़की से जो है नाम बदल करके मुस्लिम धर्म की शादी की हो फिर उसे गोली मार दी हो, ऐसे कोई एग्जाम्पल? कई ऐसी मुस्लिम लड़कियों की मिसाल मैं दे सकता हूं जो नाम बदले बगैर अमलन प्रैक्टिकली वो हिंदू हो चुकी है। आपके चैनल पे भी कई ऐसी लोग आते हैं और हमारी संसद में भी कई लोग ऐसे बैठे हैं जो इस्लाम के खिलाफ पूरा काम करते हैं, सिर्फ नाम के मुसलमान, तो वो नाम फोर्स ये हरकत करते हैं या अंडरस्टैंडिंग में करते हैं, ये हमें बदले बगैर प्रैक्टिकली हिंदू हो चुकी है। बताएंगे कि इस्लाम के खिलाफ क्या है कि अगर लड़की अगर अपनी मर्जी से मंदिर जा रही है, अपनी मर्जी से किसी से शादी कर रही है, तो आप बताएंगे इस्लाम क्या है और क्या नहीं है? आप बताएंगे उसकी उसकी इस्लाम में जगह निगत बता तो दिया नहीं है, निगत उन्होंने बता दिया इस्लाम में जगह नहीं है, निगत उसकी इस्लाम में जगह नहीं है बता तो दिया उन्होंने, कतई जगह नहीं, ये देखिए उसकी जगह ही नहीं, जगह नहीं है, नहीं उसकी जगह ही नहीं है। ताहिरा ये देखिए आप, ताहिरा जिस पैनल में बैठी हैं आपके साथ के एक मौलाना बैठे हैं, अब ये देखिए कौन से प्यार के तोते उड़ा रहे हैं, ये देखिए कौन से प्यार के तोते उड़ा रहे हैं, जगह ही नहीं है। कोई अगर मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी कर लेती है तो प्रैक्टिकली हिंदू होगा, आपको क्या सीखने की जरूरत नहीं है, खतई तौर पर ही होगा ऐसा, खतई तौर पर ही होगा। इस्लाम जिस चीज की इजाजत देता है बताने वाले वही इस्लाम होगा, आपके बोलने से इस्लाम नहीं बदलेगा, बदलना है नहीं बदलना, या उसे नमाज के साथ पूजा करनी है नहीं करनी, वरना गोली मार देंगे ना, जैसे राहुल को मार दी, नमाज भी पढ़ूंगी और भगवान, अगर किसी लड़की ने कर दिया, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड निकल एक सेकंड निकल एक सेकंड निकल एक मुस्लिम लड़की ने बालिग होने के बाद अपनी मर्जी से किसी हिंदू लड़के से शादी करने की इच्छा रखी या कर ली, तो आपकी नजर में उसकी क्या सजा?
क्या वो मुस्लिम नहीं रही? आपने उसको खारिज कर दिया, आपके पास अथॉरिटी है, क्या हुआ? देखिए साहब, कुरान में ये बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। कुरान में साफ अल्फाज में लिखा हुआ है कि गैर मजहब से शादी करने पर वो निकाह नहीं हो सकता। अगर कर लिया तो लड़के को गोली मार दो, जायज है? क्या लड़के को गोली मारना जायज हो गया? फिर गोली नहीं मारेंगे, क्या करेंगे फिर? इस्लाम से खारिज है। गोली नहीं मारेंगे, क्या करेंगे फिर? इस्लाम से खारिज है। जब एंगल ही सब कुछ धर्म का आ गया तो धर्म अलग कैसे हो सकता है? सुनिए, कितने एग्जाम्पल ऐसे हैं आपके पास कि नाम बदल के मोहब्बत की गई हो? एक नहीं हजार है, एक नहीं हजार है। या अंकुर अगर गिनवाने बैठेंगे तो मेरे पास वक्त की कमी हो जाएगी। सचिन जी को मैं आपको पीडीएफ भेज, ठीक है? ये व्हाट्सएप आप लोग कर देंगे। एक एग्जांपल, 10-50 एग्जांपल है। सूरज पालम्मू जो लास्ट में निकल के 20 सेकंड आपके पास आऊंगा। सूरज पालम्मू करना, आप स्टडी बैठ के उसको अपने घर में आराम से। कादरी साहब बड़े मुसलमानों के नुमाइंदे बने फिर रहे हैं। 5:35 का मगरिब की नमाज का वक्त है, टीवी